हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम कृतार्थ एंड आज की वीडियो में हम लेसन 12 बुक 2 का जो है आपका उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। हालांकि दिन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया, एक अनाउंसमेंट वीडियो। हमारे चैनल पर अब आपको एक नया फीचर मिलेगा ज्वाइन बटन का। मोस्टली आपने देखा होगा कि कई चैनल्स में होता है कि आप ज्वाइन करने का आपके पास बटन होता है एंड यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स एंड ऑल। तो ओनली ₹159 पर मंथ का ये टॉपर्स पैक होगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट बेस्ड असाइनमेंट्स मिलेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एंड ऑल्सो इसके साथ आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस इन द वे कि आपके प्रीमियर्स चलेंगे, उसी में आप मुझसे लाइव डाउट पूछ सकते हैं एंड अर्ली एक्सेस मिलेगी आपको वीडियोज की जो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले होंगे। लाइक ये वीडियो अगर आज आया है एमसीक्यू वीडियो लेसन 12 का, तो ये आपको एक हफ्ता पहले मिल जाएगा या फिर नॉर्मल जो अपलोडिंग टाइम होगा उससे पहले आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मेंबरशिप, बट प्लीज ध्यान में रखिएगा आप तभी ज्वाइन कीजिएगा अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें आपको, क्योंकि पेरेंट्स से पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्लीज आस्क योर पेरेंट्स फर्स्ट बिफोर ज्वाइनिंग दिस मेंबरशिप। एंड हाँ, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं एक और बात आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि जितना भी इसका रेवेन्यू आता है एंड चैनल से जितनी भी अर्निंग होती है, आई एम नॉट यूजिंग दिस फॉर माई पर्सनल यूज। ये जितना भी जाएगा आपके चैनल पे ही जाएगा, चैनल के इंप्रूवमेंट पे जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम और अच्छा करेंगे जिससे आपको वीडियोस जल्दी अवेलेबल हो। तो इसलिए आप सोच समझ के इस पे सोचिएगा मेंबरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। क्वेश्चन 1, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर पॉल्यूशन इज ऑप्शन ए मीडियम, बी इंटेंसिटी, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। तो 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। आपको ये बताना है कि वो पॉल्यूशन का हम किस बेसिस पे पॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, व्हाट इज द मेन फैक्टर बिहाइंड इट। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीडियम। तो आप पॉल्यूशन को आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, तो ये सब आपके मीडियम पर ही है। नॉइज पॉल्यूशन की अगर आप बात करें, एयर पॉल्यूशन आपका एयर के थ्रू होता है एंड वाटर पॉल्यूशन आपका वाटर के थ्रू होता है, तो ये सब आपके मीडियम पे बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू वाटर पॉल्यूशन इज। तो देखिए, ए बी सी तीनों ऑप्शंस आपके कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर पॉल्यूशन को, पर आपको बताने कि वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर कौन सा है, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वाटर पॉल्यूशन में। ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बी कल्चरल एक्टिविटीज, सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या डी बोथ ए एंड बी। तो अधिकतर बच्चे अब तक आंसर दे चुके होंगे, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इट्स ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स, लेदर, पल्प, पेपर केमिकल्स मेजरली कंट्रीब्यूट इन विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एयर पॉल्यूशन, बी वाटर पॉल्यूशन, सी नॉइज पॉल्यूशन या डी लैंड पॉल्यूशन। तो 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया आर। ऑप्शन ए एयरबॉर्न, बी वाटरबॉर्न, सी वेक्टरबॉर्न और डी फूडबॉर्न। तो आपको बताने की WHO के अकॉर्डिंग 1/4 हमारी कंट्री में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, मतलब जो स्प्रेड होती हैं टच से या फिर कॉन्टैक्ट में आने से, जैसे आपका कोरोना वायरस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसमें आपको बताने की हमारी कंट्री में 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज किस मीडियम से फैलती हैं। तो अब तक आंसर दे चुके होंगे आप लोग, इट्स ऑप्शन बी वाटरबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर क्लीनिंग गंगा। ऑप्शन ए गंगा क्लीन प्रोग्राम, बी नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीनिंग, सी मिशन गंगा या डी द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो देखिए, जो भी आपके लेटेस्ट स्कीम्स वगैरह हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बताते हुए आ रहा हूँ, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जितने भी हैं एनसीईआरटी में मेंशन, उन्हें प्लीज लर्न कर लीजिएगा। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम भी आपका एनसीईआरटी में कॉलम देता है लास्ट चैप्टर में, जो आपका 12th चैप्टर है, इसी चैप्टर में आपको एक कॉलम में देगा नमामि गंगे प्रोग्राम, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उनको प्लीज पढ़ के जाइएगा। लास्ट ईयर बच्चों को काफी दिक्कतें आई थी जिन्होंने लेटेस्ट एडिशन नहीं पढ़ा था, तो उसका सही आंसर जान लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी द नमामि गंगे प्रोग्राम। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इसका बी क्यों नहीं करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि
अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG सेम एज नमामि गंगे प्रोग्राम। तो अगर आप नमामि गंगे प्रोग्राम कहें या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कहें, बात एक ही है। बी इसलिए करेक्ट नहीं था आपका क्योंकि उसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं इसमें अगर आप वर्ड्स को इधर से उधर भी कर दें तो आपका गलत माना जाएगा। मान लीजिए आप स्वच्छ भारत मिशन को मिशन स्वच्छ भारत करके आगे पीछे भी लिखें तो उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए आपका। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट स्मोक एटसेट्रा टू द एयर इज नोन एज। ऑप्शन ए वाटर पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन, डी नॉइस पोल्यूशन। तो 5 सेकंड है आपके पास। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सब जितने भी तरह के पोल्यूशन है उन सब की आप डेफिनेशन जरूर लर्न कर लीजिएगा, उनके सोर्स कहाँ से होते हैं एंड उनके जितने भी सोर्स वगैरह, एक टेबल आपको दी हुई है जो सेकंड पेज पे ही NCERT के, कि उसमें आपको अलग अलग टाइप के पोल्यूशन की, नॉइस पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सोर्स हो, सोर्स कौन से होते हैं एंड मेजर एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से हो, टेबल दी हुई है आपको, प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, योर ऑप्शंस आर ए कंबशन, बी फॉसिल फ्यूल्स, सी माइनिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। तो 5 सेकंड है आपके पास, काफी बच्चे सही आंसर दे देंगे इसका, काफी इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन मेन सोर्सेज के साथ आपका इंडस्ट्रीज भी एक सोर्स है जो सिग्निफिकेंटली आपका एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। योर ऑप्शंस आर ए वाटर पोल्यूशन, बी नॉइस पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन या डी एयर पोल्यूशन। तो 5 सेकंड है आपके पास इसका सही आंसर बताने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, साउंड लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन, ऑप्शन ए किलोमीटर, बी डेसिबल, सी केल्विन या डी मीटर। तो 5 सेकंड अगेन आपके पास है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा एंड गिव द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देते हैं। प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो ऋषभ देव, आप काफी अच्छा आपका स्कोर जा रहा है, आप ऑलमोस्ट सब आंसर करेक्ट करते हैं एंड महेंद्र आप भी काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, एक्स्ट्रा भी आप बताते हैं एंड कंटिन्यूस हमारे बच्चे काफी हैं। निधि की अगर हम बात करें तो वो काफी कंटिन्यूस रहती है हमारे प्रीमियर्स में, वो कभी मिस नहीं करती हैं एंड सुधा आप भी हर प्रीमियर में अवेलेबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 10, सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू, योर ऑप्शंस आर ए वैरायटी ऑफ न्यू आर्टिकल्स, बी वैरायटी ऑफ सॉलिड आर्टिकल्स, सी वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स या डी नन ऑफ द अबव। तो 5 सेकंड अगेन आपके पास है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। Examples are plastic containers, CD and polythene bags. और ध्यान रखिएगा solid waste आपका दो categories में आता है, एक जो आपका domestic waste के form में निकलता है and second industries से जो release होता है। Question number 11, which of the following has become a role model to restore ecology and safeguard human health? तो cities एक तरह से role model कभी कभी बन जाती हैं, like आपने recent corona case की अगर हम बात करें तो भिलवाड़ा एक district था आपका, राजस्थान में आता है, तो यहाँ corona के एक साथ काफी ज्यादा cases आ गए थे but due to proper administration and लोगों की समझ के कारण यहाँ काफी हद तक control कर लिया गया and अब वहाँ कोई नया केस नहीं आ रहा है, इसलिए भिलवाड़ा को एक role model कहा गया पूरी कंट्री के लिए। तो इस क्वेश्चन में सेम आपको बताने कि इनमें से कौन सा सिटी एक रोल मॉडल बन चुकी है दूसरी सिटीज के लिए, एक एग्जांपल एक तरह से आप कहें टू रिस्टोर इकोलॉजी एंड सेफगार्ड ह्यूमन हेल्थ। ऑप्शन ए भिलवाड़ा, बी अजमेर, सी दौराला या डी नागपुर। तो 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए, बी क्विक इन आंसरिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दौराला। दौराला आपका मेरठ के पास आता है, इट इज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, रूरल अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय। ऑप्शन ए मेल्स, बी फीमेल्स, सी बोथ एन बी या डी नन ऑफ द अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, माइग्रेशन चैप्टर भी जो आपका था उसमें भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड्स, प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द प्रोग्राम विच इज पार्ट ऑफ द अर्बन रिन्यूअल मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। योर ऑप्शंस आर ए स्मार्ट सिटीज मिशन, बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सी स्वच्छ भारत मिशन या डी सेतु भारतम परियोजना। तो 5 सेकंड अगेन आपके पास है, अपना अच्छे से ट्राई कीजिए कि आप इसे सही आंसर दे दें। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्वच्छ भारत मिशन।
Question number 14 on your screens. Temporary or permanent decline in productive capacity of land is termed as, your options are A, land fallowing, B, land degradation, C, land improvement, या D, both B and C. तो 5 सेकंड अगेन आपके पास हैं, आप इसे आंसर कीजिए. And I know आप में से काफी बच्चे इसे बता भी देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है. तो द करेक्ट आंसर, 5 सेकंड हो चुके हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैंड डिग्रेडेशन. Question number 15. Which body in India has classified wastelands by using remote sensing techniques? तो last to last chapter के MCQs जब हमने discuss करे थे, chapter 10 transport and communication के, तो same एक ये नहीं आया था, ये question नहीं था, but same इससे relate होता एक question था, वही इसका answer है. देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं. तो your options are A, National Remote Sensing Center, B, Land Revenue Department, C, Survey of India, या D, Indian Council of Agricultural Research. तो 5 second again आपके पास हैं. The correct answer is option A, National Remote Sensing Center. ये हमने पढ़ा था आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, जब हमने बात की थी NRSC के हेडक्वार्टर्स की, जो कि आपके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप प्रीमियर के दौरान लाइव चैट पे कमेंट कर दीजिए, आई नो आपको आता है. क्वेश्चन 16. झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की आपकी केस स्टडी है, एंड आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ है. योर ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश. So you have to tell the correct answer. 5 seconds you have. तो 5 सेकंड हो चुके हैं, अब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 17. विच ट्राइबल कम्युनिटी रिजाइड इन झाबुआ. योर ऑप्शंस आर ए गुज्जर्स, बी भील्स, सी बकरवाल्स या डी गड्डीज. तो 5 सेकंड अगेन आपके पास है आंसर देने के लिए. आई होप मोस्टली आप करेक्ट आंसर ही दें, एंड आई विश कि सबका आंसर सही हो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भील्स. क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. योर ऑप्शंस आर ए प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, बी ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, सी राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट या डी हरियाली. तो 5 सेकंड आपके पास है आंसर देने के लिए, देखते हैं कितने आप में से सही बता पाते हैं. एंड अगर आप नहीं भी बता पाए तो डोंट गेट डिसहार्टन, बिकॉज देखिए जो आप लोगों को देख रहे हैं या बच्चों को देख रहे हैं जो सारे आंसर्स करेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने पूरे साल एक तरह से पढ़ा हुआ है, एंड उन्होंने मेरी वीडियोस को रेगुलर देखा भी है. एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू यू नो आंसर लाइक दैम, तो आप प्लीज अच्छे से पढ़िए. अभी काफी टाइम है, 3 मई तक आपको लॉकडाउन है, एंड 15 मई से पहले आपके पेपर्स नहीं होने, तो काफी टाइम है, आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करके टॉप भी कर सकते हैं. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर 19. द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज. तो आपको इस क्वेश्चन में बताने की हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंटेज है रूरल पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. तो 5 सेकंड मैं आपको दूंगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन ए है 59, या वेदर इट इज ऑप्शन बी 79 और सी 69 या डी 31. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 69. तो इंडिया में 69% ऑफ रूरल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग सेंसस 2011, एंड 31% जो पॉपुलेशन है हमारी अर्बन पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011. क्वेश्चन नंबर 20. द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया इज. तो इस क्वेश्चन में आपको बताने कि एशिया में जो लार्जेस्ट स्लम है वो हमारी कंट्री में आता है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ. अब आपको बताने की इनमें से कौन सा स्लम है. योर ऑप्शन आर ए कासीमेडू, बी धारावी, सी बैगनवाड़ी या डी सीमापुरी. तो 5 सेकंड आपके पास है उत्तर देने के लिए, 5 सेकंड बाद आप अपना उत्तर लॉक कर दीजिएगा, एंड मैं कंप्यूटर जी से इसका सही आंसर लूंगा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी धारावी, एंड इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में धारावी लोकेटेड है, ये एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, सबसे बड़ा स्लम है. क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड. योर ऑप्शंस आर ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी सतलुज या डी गोदावरी. तो इसमें आपको बताने की हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है. 5 सेकंड है आपके पास. सो गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यमुना. ये हमारी पूरी कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड रिवर है इट इज यमुना. क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन. योर ऑप्शंस आर ए कंजंक्टिवाइटिस, बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सी डायरिया या डी ब्रोंकाइटिस. तो 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए. ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए. तो 5 सेकंड होने को हैं, आंसर ट्राई टू आंसर गाइस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डायरिया, ये आपकी वाटर बॉर्न डिजीज है.
तो अब हम आते हैं ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पे। अब हम सारे एमसीक्यू हर चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, उन पे सारे वीडियोस डल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू सीरीज अब दोनों बुक्स की कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सीरीज इन ज्योग्राफी, देखते हैं कौन इसे सही बता पाता है। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, काफी इजी क्वेश्चन है, ए माइग्रेशन, बी स्लम्स, सी लैंड डिग्रेडेशन और डी एयर पॉल्यूशन। सो 5 seconds यू हैव, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। आई होप आप सभी इसका सही आंसर दे देंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, माइग्रेशन। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड फॉर द एमसीक्यू सीरीज इन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए आप कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस की, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बन चुके हैं, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है नहीं मेरी लोकेलिटी में आजकल, ड्यू टू सम लॉकडाउन इश्यूज और डोंट नो व्हाट, तो इसलिए अब वो वीडियोस जब भी मेरा नेट अच्छा चलेगा या फिर कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी वो तब मैं अपलोड कर दूंगा। आई वॉज ट्राइंग टू डेज बैक टू अपलोड चैप्टर 8 जो कि आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, बट वही इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो 99% पे गया बट अपलोड नहीं हो पाया, नेट भी वेस्ट हुआ, डेटा वेस्ट हुआ, बट वो अपलोड नहीं हुआ। तो गाइज इसीलिए जब कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी तब आपके लॉन्ग वीडियोज, मतलब क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वीडियोज काफी लंबे होते हैं, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैम। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।